उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया है, उसके बाद वो पास भी कर दिया गया। तो अनुपूरक बजट में कुल 5,720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वेतन भत्ते पेंशन और अन्य खर्चों के लिए 2,990 करोड़ रखे गए हैं। विकास कार्यों में 2,730 करोड़ सरकार खर्च करने वाली है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 3,178.87 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 570 करोड़ खर्च होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 449 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 137.29 करोड़, जल जीवन मिशन योजना के लिए 60.40 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 70.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़क निर्माण पर जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24.95 करोड़, शिक्षा की बेहतरी के लिए 214.57 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए धामी सरकार ने 5,720.78 करोड़ रुपये का अपना पहला अनुपूरक बजट पास कराया है। तो विभागवार अनुदान मांगों को पास कराने के बाद सरकार ने सदन में उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2021 को भी ध्वनिमत से पारित किया। मंगलवार को पटल पर आए 6 में से 3 विधेयकों को भी सदन से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया था। तो बुधवार को अनुपूरक अनुदान मांगों पर विभागीय मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की मांगें सदन के पटल पर रखी और उन्हें पारित कराया। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने अपने विभागों के अलावा मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगें पटल पर रखी। तो अनुपूरक बजट में कुल 5,720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वेतन भत्ते पेंशन और अन्य खर्चों के लिए 2,990 करोड़ होंगे। विकास कार्यों में 2,730 करोड़ सरकार खर्च करेगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 3,178.87 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 570 करोड़ खर्च होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 449 करोड़ का आवंटन किया गया है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए 137.29 करोड़, जल जीवन मिशन योजना के लिए 60.40 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 70.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़क निर्माण पर भी जोर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24.95 करोड़, शिक्षा की बेहतरी के लिए 214.57 करोड़ आवंटित किए गए। उत्तराखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पास हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो कुल 5,720.78 करोड़ रुपए का है, जिसमें राजस्व व्यय के अंतर्गत 2,990.93 करोड़, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 2,730.25 का प्राविधान रखा गया है। केंद्र पोषित योजनाओं में 3,178.87 करोड़ और 22 शासित परियोजनाओं में 56 करोड़ का व्यय का प्राविधान रखा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update.